हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम नज़ीर अहमद अब्बासी है और आज मैं आपको कुछ सिखाऊंगा सी प्लस प्लस के बारे में। ठीक है जी। सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसमें आप मुख्तलिफ प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं। उसको हम लर्न करेंगे मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स की सूरत में। सबसे पहले आप देख रहे हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम ऊपर लिखा हुआ, ये एक लाइब्रेरी है जिसको हमने इंक्लूड किया है और इसके हम कुछ फंक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे। दो मेन इसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे, वो है सी इन और सी आउट। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। वर्ड मेन एक मेन फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम रन होता है। अगर ये प्रोग्राम में आपके नहीं है तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आयो स्ट्रीम जो हमने इंक्लूड की है उसका सी इन और सी आउट फंक्शन। ठीक है जी। सी आउट हमने लिखा लेस देन साइन इन्वर्टेड कॉमास एंड एल। ठीक है जी। इन दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे वो आपको उस कंसोल के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। मसलन मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। यहाँ पे हम सिस्टम पॉल लगा देते हैं ताकि वो हमारा एकदम से बंद ना हो। इसको कंट्रोल F5 से हम बिल्ड करेंगे और देखेंगे क्या ये हमारे पास लिखा हुआ आता है या नहीं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये कि बिल्ड स्टार्टेड हो रहा है, इनिशियलाइजिंग बिल्ड स्टेटस। थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। कंसोल के ऊपर हमें लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखें ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमारा। इसी तरह आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, जो भी आप लिखेंगे वो आपको वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है। टाइम ले गई। ये देखें जो कुछ भी मैं उसके सामने लिखता जाता हूँ इसी से आप जितने भी सी आउट यहाँ पे चाहते हैं आप यहाँ पे कॉपी करके कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी के साथ कंट्रोल वी। इस तरह जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे आपको लिखी हुई नज़र आएंगे। जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं इसके अंदर वो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है जी। इसके बाद अगली चीज़, अगला जो ऑब्जेक्ट है हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम का, वो है सी इन। यानी आप यूज़र से किसी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे इंटीजर टाइप का। इंटीजर 4 बाइट्स का होता है। सबसे पहले आप उसकी डाटा टाइप देते हैं INT, फिर आप उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसे आप उसको पहचानेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। मैं लिख देता हूँ उसका नाम वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो। हम उस वैल्यू को ज़ीरो हम उस वेरिएबल से इनिशलाइज करा देते हैं। ठीक है। अगर आप ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो इस वैल्यू के अंदर कुछ गारबेज वैल्यूज़ होंगी, कुछ जंक्स होंगे जो आपकी रिज़ल्ट को, जो एंड में आप रिज़ल्ट चाहते हैं उसको आप इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है। अब हम इस वैल्यू के अंदर यूजर से कोई चीज़ इनपुट कराना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सी इन। ठीक है जी। इस वेरिएबल का नाम यानी वैल्यू लिखेंगे और क्लोज कर दें। यहाँ पे आप ऊपर हम यूज़र को एक मैसेज भी शो कर देते हैं कि कोई वैल्यू एंटर करो। ठीक है जी। सी आउट उसको कह देते हैं कि इंटर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है जी।
पॉजिटिव इन टीचर वो जब उसको कहेंगे कि वो इंटर करे, यहाँ पे आके वो इंटर करेगा। अब हम अगली लाइन में उसको कह देते हैं कि जो यूज़र ने वैल्यू इंटर की है वो हमें शो करा दें। ठीक है जी, इंटर्ड वैल्यू लिखेंगे, फिर दोबारा से ये चीज़ लिखेंगे एंड और इन दो साइनों के दरमियान आप उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू आप देखना चाहते हैं। ठीक है जी, कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल F5 से हम इसको बिल्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या यह हमारा प्रोग्राम रन हुआ है। देखें जी, वो हमें कह रहा है यहाँ पे, मैं आपको साथ साथ समझा भी देता हूँ लाइन एग्जीक्यूशन साथ साथ। ठीक है, पहली लाइन उसने जब एग्जीक्यूट होगी वो तो वो मेमोरी में एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर देगा। फिर दूसरी लाइन वो हमें शो करा रहा है कि इंटर द पॉजिटिव इंटीजर। तीसरी लाइन सी इन वैल्यू। अब ये देखें यहाँ पे कसर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हमसे कोई वैल्यू मांग रहा है। जब हम उसको वैल्यू इंटर करेंगे, ठीक है, वैल्यू इंटर करने के बाद जो अगली लाइन है, अगली लाइन में हमने उसको कहा हुआ है कि हमें इंटर्ड वैल्यू शो करा दो। अब जबकि हमने 90 इंटर करा दिया है तो वो 90 ही हमें शो कराए। यहाँ पे सिस्टम पॉज का फंक्शन लगा देते हैं ताकि आपको नज़र आए। जब भी आपको मसला हो यानी एकदम से आपका कंसोल बंद हो जाता है तो आप सिस्टम पॉज का फंक्शन लगाएंगे तो वो नहीं होगा। दोबारा से हम इसको बिल्ड करते हैं। ठीक है, टाइम लग रहा है क्योंकि सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर से हम दोबारा बिल्ड कर लेते हैं। ये देखिए एंटर अ पॉजिटिव नेम का कसर ब्लिंक कर रहा है। हम इसको समझ लें 780 799 इंटर कर देते हैं। लेकिन दोबारा से एंटर्ड वैल्यू शो आ रही है। इसी तरह आप जो भी वेरिएबल में से वैल्यू देखना चाहते हैं उसको सी आउट के ज़रिए से चीज़ को आप देखेंगे। ये वाला कोड आप जब लिखेंगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, सी आउट इंटर्ड वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम इन दोनों साइंस के अंदर जब आप लिखेंगे तब आपको वेरिएबल की वैल्यू को शो कराएगा। बस आज के लिए इतना ही। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके क्वेश्चन ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑनलाइन वीडियोस चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अगले ट्यूटोरियल के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।